मेरे आसपास सब बहुत कूल है, मैं नहीं सह सकती। मुझे अलग होना होगा, बालों को और हर चीज को बदलना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, इसी तरह। अब मैं सबसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। देखो दुनिया, ये मैं हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये बोरिंग है, ये भी बोरिंग है। जरा उसे और उसके पुरानी कॉर्ड्स को देखो। मेरे पास वायरलेस है, और किसके पास होगी? उसको लगता है कि वो बहुत कूल है, क्योंकि बस उसकी ईयरबड्स नहीं है। वो म्यूजिक पर डांस कर रही है। तुम्हें और तुम्हारे ये गंदे से कॉर्ड्स को निकल जाना चाहिए। ओह, वो इसके लायक बिल्कुल नहीं है। ओह पर काश मेरे पास भी अच्छे ईयरबड्स होते, पर पता है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे बस अपनी सप्लाईज उठानी है। मेरे पास मेरी कैंची है, तो मैं तैयार हूँ। चलो ये करें, काट दो। और अब ये कॉर्ड फ्री है और किसी को भी डिफरेंस समझ नहीं आएगा। ओ, इसे तो छुपा लेना चाहिए। ओ, देखो पुरानी ईयरबड्स वापस आ गए। रुको, अब उसके पास कॉर्डलेस वाले है। तुम्हें पता है, जो भी है मेरे पास वो पहले भी थे। हाय, ओह उसके बाल कितने खराब हैं। मुझे बुरा लग रहा है, लोग उसके ऊपर बहुत हंसते होंगे। इसे सहना तो बहुत मुश्किल होगा। रुको, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये हेयर इंटरवेंशन है, हम सबसे पहले हेयर बाइंडर को निकालेंगे। ठीक है, पर अब मेरे बाल खराब है, क्योंकि अभी काम चल रहा है। तुम्हें बस कुछ कलर चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ मार्कर्स चाहिए। मैं इसे कोने से काटूंगी और इनको बाहर निकालूंगी। ये छोटा सा इनकी स्ट्रॉ है, जिसका मतलब मैं बस इसे फूंक मारूंगी। और ये देखो, सारा कलर बाहर आ गया। अब मेरे पास कलर है, मुझे अब क्रीम चाहिए। बस थोड़ा सा डालूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। चलो हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। मेरे पास प्लास्टिक ग्लव है, तो चलो शुरू हो जाए। अब मैं इसे तुम्हारे बालों पर लगाऊंगी। अब इसे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रैप करें। बहुत बढ़िया, अब पर्पल का टाइम है। क्या तुम श्योर हो कि ये एक अच्छा आइडिया है? हाँ, जब हो जाएगा तब देखना। इसके लिए भी फॉइल, अब बस हमें इंतजार करना है। ठीक है, चलो तुम्हारे बाल चेक करें। बस फॉइल को खोलें और वाला। ये देखो, मुझे देखने में बहुत डर लग रहा है। रुको, क्या ये मेरे बाल है? ये ग्रीन और पर्पल है। वाह, ये बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। मुझे लगता है तुम्हें एक और चीज की जरूरत है। हम ये ग्लासेस निकाल देंगे, तुम इसके बिना भी देख सकती हो, है ना? पता है, कार्डिगन भी निकाल दो। ओ, उसे निकाल कर वहाँ फेंको, जहाँ उसे होना चाहिए। हाँ, ये बटन तो खुला ही रखो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। चलो क्लास में चलें। ठीक है, अपनी नई लुक को ट्राई देने का समय आ गया। वो क्या तुमने भी वो पर्पल और ग्रीन देखा? हे मेरे भगवान, कोई भी हंस नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, वो बहुत सुंदर है, मैं यही वर्कआउट करूंगा। मुझे स्ट्रेचिंग करनी होगी। चलो वेट्स उठाएं, बस सही वाला चुनना होगा। ओह, मैं केटलबेल क्यों नहीं उठा पा रहा? तो चलो। वाह, ठीक है, अपनी साइड पर रहोगे प्लीज? ठीक है, शायद ये सही काम करे। और शायद ये, हाँ मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। हे, हाँ ये मेरे बाइसेप्स हैं। बिल्कुल, जो भी है।
क्या वो ये केटलबेल कैसे उठा पा रही है? क्या वो कोई वंडर वुमन है या कुछ और? हे लूजर, अगली बार मसल्स बना कर आना। वंडर वुमन को इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हें पता है ये चाहिए भी किसे। मैं इस फोम से एक सर्कल काटने वाला हूँ और अब एक सैंड पेपर, मैं बस इसे घिस दूंगा। ये देखो, कोने तो बिल्कुल स्मूथ और गोल हो गए। बहुत बढ़िया, अब अगले स्टेप में हमें चाकू चाहिए। कुछ कटिंग करने का समय है। एक सर्कल बिल्कुल बीच में और अब कुछ मेटालिक स्प्रे पेंट मैं इस पूरे पे कर दूंगा ताकि ये मेटल की तरह दिखे। एक से ज्यादा चाहिए होगा, अलग अलग साइज के भी। अब मुझे एक पेंट किया हुआ फोम हेक्सागन चाहिए, ये बिल्कुल बीच में जाएगा। अब मुझे एक फोम डॉल चाहिए, मैं इसे काला पेंट करूंगा। ये इस कटे हुए होल में बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। जरा देखो, मैंने लिफ्ट करने के लिए वेट्स बनाए, हालांकि इनका वेट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मुझे बस इंतजार करना होगा। वो आ गई। हे 57, 58, 59। हे भगवान, ये तो बहुत भारी लगते हैं। ओह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, ये देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं। हे, मेरे साथ चलना चाहोगे? ये क्या है? ये असली नहीं है, ये फोम से बने हैं। क्या कोई ऐसा क्यों करेगा? ओह, ये पार्टी तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये मेरा चांस है। सांस लो। हे, कैसा चल रहा है? बढ़िया पॉडकास्ट सुन रही हो? हे, देखो कितना कूल है। क्या वो कहाँ चली गई? हाँ, उसने मुझे डिच किया। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। हे, गुड पंच। हाँ, माफ करना, मुझे कहीं जाना है। हाय, बढ़िया पार्टी है ना? ओह, माफ करना, मुझे कॉल आ रहा है और मुझे उठाना होगा। मुझे पता है ये असली नहीं थी। पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ। सब कहा जा रही है, क्या वो उससे मिलने जा रही है? कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? ओह, उसके बाल। ठीक है, उसका वार्डरोब, टैटूज भी। मैं इसे कैसे कम्पीट करूँ? पर देखो वो कितना मशहूर है। हाँ, ये क्या है, एक रॉक मैगजीन? हे, टेम्पररी टैटूज? बिल्कुल नहीं। ओह वाह, ये लाजवाब है। चलो ट्राई करें। ठीक है, मैं टैटूज के लिए तैयार हूँ। बस बाजू ऊपर करी और टैटू रखा। अब इसे गीला करना होगा। ये चिपचिपा लगता है, चलो इसे उतार कर देखें। वो, इसने काम किया और ये असली लगता है। ठीक है, अब मेरी नई लुक के साथ इस पार्टी को रॉक करने का समय आ गया। हाँ बिल्कुल, मैंने बाल बना लिए, वार्डरोब और टैटूज भी, सारी टैटूज। ये रहे वो। हे सबको। ठीक है, ओह हाँ, मेरा मतलब है, हे कैसे हो? ओह, उसको देखो, मैं अभी आती हूँ उससे मिलकर। हे, क्या हुआ? तुम्हारी टैटूज बहुत कूल है। खैर, जो भी है, कम से कम मेरे पास पॉपकॉर्न है। हे, चलो सेल्फी ले, स्माइल। हे, देखो वो रहा वो वहाँ पर। ओह, मैं। हाय सबको। तुम नहीं, रास्ते से हटो। रुको, तुम सब क्या बोल रही हो? ओह ठीक है, मैं खिसक जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आ गई। इस हेलमेट को निकालना चाहिए। परफेक्ट, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत कूल, क्या तुम समझ रहे थे ये उसकी बाइक है? क्या सच में? तुम सब लोग कैसे हो? रुको, हे मेरे भगवान, वो यहाँ आ रही है। हे, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। ओह वाह, ये बहुत बढ़िया है। वाह, तुमने बहुत तेज चलाई। ये कैसे हुआ? वो उसके बाइक पर कैसे बैठ गया?
वो लगता है ये दोस्त है, बहुत कूल। तो तुम तैयार हो? चलो चले। माफ करना, हम आ रही है। क्या तुमने वो देखा? क्या आप पॉपुलर होने के लिए मोटरसाइकिल चलाएंगे? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए।